हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम प्लांट्स लवर पर। तो आज का टॉपिक है कि गुलाब की केयर कैसे करें सर्दियों में। तो आपको दिख ही रहा है इस प्लांट के अंदर, पहले तो हम इसके बारे में बात करते हैं। ये रोग है डाईबैक, इसके बारे में बात करते हैं अपन, इसको कैसे मेंटेन रखें। तो हम अब है ना, इसको मेंटेन करने के लिए पहले यहाँ से इनको कट कर दीजिए, ये करना बहुत ज़रूरी है। तो हम सारा ऐसे कट कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये पूरी ब्रांचेस कटर के द्वारा काट लिए। तो दूसरे टॉपिक पे आते हैं। लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि फूल तो आ रहे हैं पर बहुत कम मात्रा में। तो आपको दिख ही रहा होगा, ये जैसे ये फूल आ रहा है पर ये सूख गया। तो बहुत से लोग इन्हें क्या है काटते नहीं है, तो अपन क्या है इनको काट देंगे, ताकि काटने पे क्या है नई ग्रोथ होगी। जैसे कि ये रहा, तो अपन इनको सबको काट देंगे। जैसे ये यहाँ पे भी उग रहा है एक, तो ये पूरा काट दिया अपन ने। अब ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं अपन खाद के ऊपर, खाद कैसे दें। अभी सबसे पहले है ना, गुड़ाई कर ले हल्की सी। खाद डालने से पहले है ना, थोड़ी नमी होनी ज़रूरी है मिट्टी के अंदर, ताकि अच्छा रहे इससे। ठीक है, हमने ये ऐसे गुड़ाई कर ली। थोड़ी बहुत अपन खाद डालते हैं, इसका नाम है वर्मी कंपोस्ट, मतलब केचुए की खाद। ठीक है, ऐसे करके अपन सब तरफ डाल देते हैं। हाँ, और एक चीज़ और गौर करने की, ये आपको जो ये पत्तियाँ दिख रही है ऐसी सूख रही है और ये इसी में गिर रही, तो आप इनको बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये फंगस को अट्रैक्टिव करती है। इसको बाहर निकाल दीजिए, पूरा बाहर निकाल दिया हमने, ये पूरा बाहर हो गया है। ठीक है, हाँ, तो हमने अब खाद डाल ली है। दूसरे टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत मॉइस्चराइज़र है मिट्टी के अंदर। अब जब तक आपको मिट्टी सूखी नहीं दिखे, तब तक आपको बिल्कुल वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि सर्दी के अंदर वैसे ही बहुत नमी नमी वाला वातावरण होता है। तो हाँ, तो अब आती है इसे रखने की बारी। अब कैसे रखा जाए इसे, रात के टाइम आप है ना इसे ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए, और सुबह होते ही जहाँ पर धूप आती हो वहाँ पर रख दीजिए। मतलब 4 घंटे तक इसको धूप की बहुत आवश्यकता होती है, ताकि आपका पौधा हेल्दी रहे। अब हम इनकी थोड़ी बहुत प्रूनिंग करते हैं। हाफ कट, इधर भी हाफ कट कर देते हैं। वैसे प्रूनिंग का समय तो निकल चुका है, अगस्त में ही होता है, पर थोड़ी बहुत हम कर सकते हैं अभी भी। तो हम पूरी काट देते हैं, ताकि गुलाब अच्छे से आए, क्योंकि अभी इनका बहुत अच्छा सीजन चल रहा है। ये अच्छे से ग्रो करते हैं, तो नई ब्रांचेस भी आई है अभी। हम इनको काट देते हैं। जैसे इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं आ रही है ना, तो यहाँ से काट देंगे ना, तो यहाँ से भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी थोड़े से दिन में। ठीक है, यहाँ से भी काट देते हैं। वैसे आपको जैसे ये पत्तियाँ ख़राब लग रही है, तो इसको भी काट सकते हैं आप। जैसे मैं पूरा काट रहा हूँ अभी यहाँ से, क्योंकि ये ख़राब हो रही है। ये पूरी पत्तियाँ काट देते हैं अपन, जो ख़राब हो रही है उसको काट दें, क्योंकि इससे क्या है प्लांट की पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो लगभग लगभग इसका काम तो हो गया। अब मैं और आपको मेरे घर पर रखे हुए गुलाब उनकी और डिटेल देता हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम। तो फाइनली मैं अपने घर आ गया। ये मेरे घर के कुछ गुलाब आपको दिखाता हूँ। एक ये रहा, गाइज इसमें ध्यान दीजिए, आपको ये थोड़ा ब्लैक सा दिख रहा होगा, इसको अपन को पूरा काटना होगा। यदि इसको नहीं काटेंगे तो ये ब्रांच पूरी सूख जाएगी। इसे डाईबैक रोग है वैसे, ये इसको काटना बहुत आवश्यक है, तो मैं इसको काट देता हूँ।
हमने काट दिया है, देखिए देखिए कितनी कलियां आ रही है मेरे गुलाब में, इतनी कलियां आ रही है। तो आप भी चाहते हैं कि इस तरह के आपके भी कलियां आए तो आप भी इन टिप को फॉलो करके देखिए, आई होप आपको अच्छा लगेगा। हाँ, और एक ही बात और, ये देखिए मिट्टी थोड़ी मॉइस्चराइज लग रही है, तो आप हल्की सी वाटरिंग करें, बस ओनली हल्की सी। जैसे यदि इसमें आपको दिखे ऐसी, तो बिल्कुल भी वाटरिंग नहीं करें, अगले दिन ही करें। और इधर भी दिखाना चाहता हूँ मैं, ऐसे ही है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी आपको मॉइस्चराइज़र दिख रहा होगा। और एक ही है, इसमें तो बिल्कुल ड्राइनेस ही है, ये देखिए बिल्कुल सूख रहा है, तो इसमें पानी की आवश्यकता है, इसका मतलब ये है। देखिए जैसे मैंने इन प्लांटों को अपने ग्रीन नेट के नीचे रखा है, तो आप भी ऐसे रख लीजिए, तो आप भी ऐसे ग्रीन नेट के नीचे अपने प्लांट्स को रख सकते हैं, इससे इनकी सर्दी से बचाव होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसी तरह मैं और नई वीडियो लाता हूँ।